नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बी 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 एन ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे चतुर्थ पाठ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा पुरतो रखने चाहिए, निदेहि आगे हमें क्या, हमारे चरण यानी कदम, हमेशा हमें हमारे जो कदम है उनको आगे रखना चाहिए, ना कि पीछे रखना चाहिए। अर्थात हमें अपने कदम आगे से आगे बढ़ाते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में हमारे बहुत प्रकार की बहुत ऐसी चुनौतियाँ आती है जो हमें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है, परंतु हमें हमारे कदम आगे ही बढ़ाने चाहिए। तो आज हम ये पढ़ते हैं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव समझ में आ गया, हमेशा पुरतो आगे, निदेहि रखो चरणम कदम, हमेशा हमारे जो कदम है हमें आगे बढ़ाने चाहिए। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। श्रीधर भास्कर है इसके रचयिता, उन्होंने अपनी जो पंक्तियाँ है उसमें ये बताया गया है कि एक राष्ट्रवादी कवि हैं और ये एक राष्ट्र भक्ति जगाने के लिए कि देशवासियों के लिए कि हमें हमेशा हमारी जो जीवन में चुनौतियां मिलती है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने आगे बढ़ने का आह्वान किया है कि हमें चुनौतियों से, विपत्तियों से, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आती है उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। तो इस गीत के माध्यम से उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है, ठीक है, कि हमेशा जागृत रहो, कर्मठ बनो, है ना। कर्मठ यानी कार्य को करने वाले, कर्मशील जो होते हैं कर्मठ। ये शुरू करने से पहले हम इसके करेंगे शब्दार्थ जो बहुत ज़रूरी है। पुरतो, पुरतः, पुरतः का चारों ओर भी होता है, इसमें है आगे, निदेही रखो, गिरी शिखरे पर्वत की चोटी, गिरी शिखर पर्वत की चोटी है उसको बोलते हैं। निज निकेतन, निज यानी अपना निकेतन, घर, अपना घर या अपना निवास, विनेव, बिना प्लस एव यानी बिना ही, नागारोहणम, नग प्लस आरोहणम, नग यानी पर्वत, पर्वत पर चढ़ना, आरोहणम उस पर आरोहित होना, चढ़ना, नगा आरोहणम, स्वकीयम अपना, पथी, पथी यानी पथिक, पथिक तो क्या होता है, चलने वाला, पथी रास्ता मार्ग, पथी पे जो चलता है उसको बोलते हैं पथिक। पाषाणः पत्थर, विषमः ऐसा माने, विषम परिस्थिति हो जाती है ना, ऐसा माने, विषमः ऐसा माने। प्रखराः तीक्ष्ण, नुकीले, एकदम कंटीले, नुकीले, तीक्ष्ण। हिंसाः हिंसक, परितो, परितः चारों ओर, परितो चारों ओर। घोराः भयंकर, भयानक। सदुष्करम अत्यंत कठिनतापूर्वक, साध्य, जही ही, छोड़ दो या छोड़ो, जही ही, छोड़ो या छोड़ दो। भज, भजो, जपो। विदेही, करो। अनुरक्तिम, अनुरक्त होना, प्रेम या स्नेह। सततम, लगातार। ध्येय स्मरण, ध्येय यानी उद्देश्य, और स्मरणम याद रखना, अपने उद्देश्य को, अपने ध्येय को स्मरण करना या उसे याद रखना, ये आपके शब्दार्थ है, ठीक है। शब्दार्थ आपको याद करने हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमें कभी भी अपने जो कदम है पीछे नहीं हटाने हैं, कोई भी परिस्थितियाँ। ये पूरी पंक्तियाँ पढ़ने से पहले थोड़ा आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि हमारे आगे चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाए, है ना, कुछ भी आ जाए, कांटे शूल, हमारा जो पथि है, जो रास्ता है, उसमें कांटे शूल, विषम, जो एकदम तीक्ष्ण नुकीले, है ना, ऐसे पत्थर, कांटे, सब कुछ हमारे रास्ते में आते हैं, तो उनको उनकी संज्ञा दी गई है कि इनकी मुसीबत होगी, है ना। और आप वो भी समझ सकते हैं कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितने भी कांटे आ जाए, कितने भी कंकड़ आ जाए, एकदम नुकीले पत्थर आ जाए, चाहे हिंसक जो पशु है वो हमारे सामने हमें चारों तरफ से घेर ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें हमारे कदम पीछे नहीं हटाने हैं। सदैव हमें पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही हमें क्या करना है,
अपने चरण जो है, अपने कदम बढ़ाते चले जाना है, है ना। अपने वो एक है भी तो ना, कदम आगे तू अपने बढ़ाता चला जा, युवा वीर है दन दनाता चला जा। तो भारत के जो नागरिक हो, भारतवासी जो हो, युवा नागरिक हो, भारत के वीर हो, आपको हर परिस्थिति में अपने कदम जो है आगे ही बढ़ाने हैं, ना कि पीछे बढ़ाने हैं, ठीक है। तो चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल कि चलो चलो, पुरतो आगे, निदेहि रखो चरणम, अपने कदमों को चलो आगे बढ़ाओ, अपने कदम आगे बढ़ाओ, चलो चलो, सदैव पुरतो हमेशा अपने कदम आगे रखो, ना कि पीछे रखो। गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरी शिखर जो है वो हमारा स्वयं का अपना घर है। क्या है? गिरी शिखर हमारा घर है। विनेव बिना ही यानम नगारोहणम, हमें बिना यान के ही क्या करना है, पर्वतों पर चढ़ना है। कोई वायुयान इनसे नहीं चढ़ना है, हमें चलकर अपने कदम बढ़ाकर ही हमारी जो पर्वत है उस पर हमें चढ़ना है, आरोहण करना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बलम स्वकीय, बलम यानी बल, जो आपका बल है। स्वकीयम अपना, स्वकीयम अपना, भवति साधनम अपने जो बल को आप पहचानो, उसकी महत्ता को, अपनी महत्ता को पहचानो, अपने बल का, आप में अथाह है बल है, आप में बहुत सारा बल है, बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तो इसमें बताया गया है कि आपको अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानना है, आपको अपने बल को पहचानना है, तो आपको अपने बल का ज्ञान करना है कि आपके अंदर इतना बल भरा पड़ा है। तो उस बल का ध्यान करते हुए आप सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदम जो है आगे बढ़ाते चले जाओ, ना कि अपने कदमों को परिस्थितियाँ देखकर, विपरीत परिस्थितियाँ देखकर, रास्ते में कांटे कंकड़ हिंसक पशु या जो भी कुछ देखकर घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है बच्चों। आज आप शब्दार्थ याद कीजिए, इसको रिदम से आप पूरी पोइम को, जो कविता है इसको पढ़िए, फिर अगले वीडियो में आपको ये पूरा अर्थ सहित दोबारा बताया जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू।